हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इस एरर पे होने वाली है, दिखा देती हूँ आपको। देयर वाज अ प्रॉब्लम रीसेटिंग योर पीसी। अगर आपके सिस्टम में भी इस टाइप का कुछ एरर आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ आपने इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर जाना है सर्च बार में, टाइप करना है आपने यहाँ पर CMD। यहाँ पे आपको CMD दिखाई देगा, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस टाइप का यहाँ पे ब्लैक डिस्प्ले दिखाई देगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे कमांड डालनी है SFC /scan now। इसके बाद आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होगा इसमें आपको 5-10 मिनट लग सकते हैं, तो आपने वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, 3% हो गया है मेरा। इसी तरीके से आपका भी होगा, तो यहाँ पे इसको 100% तक आपने जाने देना है। तब तक आपने इसका वेट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो कमांड है वो 100% कम्प्लीट हो चुकी है। ये जो हमारे विंडोज़ में करप्टेड फाइल्स होती हैं या बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, जिन वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड डालनी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद ये जो हमारी कमांड है यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है, 5 मिनट तक का, तो आपने वेट करना होगा। यहाँ पे भी आएगा इसी टाइप का, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा परसेंटेज शुरू हो चुका है। आपने वेट करना होगा इसको भी 100% कंप्लीट होने का। यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो नेट से कनेक्ट होना कंपलसरी है, तो मेरा जो सिस्टम है वो वाईफाई से कनेक्ट है। इसी तरीके से ये 100% तक जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से अभी कैंसिल कर देती हूँ। आपकी जो कमांड 100% हो जाएगी, इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे एग्जिट लिखना होगा। इसके बाद इसको एंटर करना होगा, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। इन केस यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको उसके लिए बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आपने अगेन यहाँ पे जाना है, टाइप करना है आपने CMD, राइट क्लिक करना है यहाँ पर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर जो सर्विस इनेबल करी थी इसको डिसेबल करना होगा। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है, ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके बाद आपने सिंपली इसको एंटर करना है। अब आपने नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिट टाइप करना है, एंटर करना है। इसके बाद आपने चेक करना है आपका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आपने टाइप करना है रीसेट PC। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, रीसेट दिस PC पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस सेटअप दिखाई देगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको जो सिस्टम ऑन होगा वो एडवांस मोड में ऑन होगा, तो आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपका सिस्टम जो होगा वो एडवांस ऑप्शन में ऑन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ये सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये जो सिस्टम होगा यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद आपका जो सिस्टम होगा वो आपके बैक डेट पे चला जाएगा जब आपने ये रिस्टोर करा होगा यहाँ पे सिस्टम। और अगर आपका सिस्टम यहाँ पे रिस्टोर आपने नहीं बनाया होगा तो आपके उसमें ये रेड एरर आएगा। इसके बाद आपने इसको अगेन ट्रबल शूट पे क्लिक करना होगा, एडवांस ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद आपने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने ये कमांड डालनी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तीनों कमांड। इसके बाद आपने लास्ट में एग्जिट करना है और एंटर करना है। ट्रबल शूट पे जाना होगा आपको अगेन। इसके बाद आपने रीसेट दिस PC पे जाना है। इसके बाद कीप माय फाइल्स को आपने सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपने लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने इसे रीसेट करना है।
इससे जो आपका सिस्टम में फाइल्स होंगी वो सेव रहेंगी, आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा इससे। इसके बाद आपका जो सिस्टम होगा वो रीसेट हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।